तो चलिए दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2023 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 26 दिसंबर 2023 से 15:05 का एक अपडेट आया है। और अभी जो टाइम हो रहा है 3:20, मतलब 3:05 पे एक अपडेट आया है और 3:20 हो रहा है। 15 मिनट डिले के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और ओपन मार्केट में ही बना रहा हूँ, लेकिन अपलोड करते करते हो सकता है मार्केट क्लोज हो जाए। इसी तरह से सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ देखिए 26 दिसंबर 2023 का मैं ओपन किया हूँ। अब कुछ न्यूज आई हैं, ठीक है ना, वो न्यूज के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। थंबनेल पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके पहले मैं बता दूं कि 25 तारीख को भी यहाँ पे दो अपडेट निकल के सामने आई है, 23 तारीख को भी एक अपडेट आया था, ठीक है ना। तो 25 तारीख वाला भी अपडेट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आज इसकी मीटिंग थी। मीटिंग किस चीज के लिए थी? फंड रेजिंग को लेके, मतलब पैसा जुटाने के लिए जो है एक बोर्ड मीटिंग डेट जो है पहले से ही रखी गई थी 26 दिसंबर 2023 का, और उसी का ये आउटकम जो है वो आया है। आउटकम में क्या बताया गया है कि जैसा न्यूज निकल के सामने आ रहा था कि कंपनी राइट इशू के जरिए जो है पैसा जुटाने के लिए जो है अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी अब जो है नए इशू शेयर करने वाली है, इक्विटी शेयर वारंट के जरिए कंपनी पैसा जुटाने वाली है। कितना इक्विटी शेयर इशू करने वाली, तो यहाँ पे आप देखिएगा, लगभग लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6,31,43,677 क्वांटिटी कंपनी जो है शेयर जो है वारंट के जरिए जो है इशू करने वाली है। और ये इशू किसको होगा? तो ये होगा इसके ग्रुप के प्रमोटर ग्रुप को, ठीक है ना। प्रमोटर ग्रुप जो है इसमें ₹10 फेस वैल्यू के हिसाब से जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो 6,31,43,677 क्वांटिटी उनको जो है इशू की जाएगी। इसका कितना पैसा बनेगा वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, अमाउंट भी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कुल मिला के कहेंगे कि सवा यही मतलब करोड़ में इक्विटी शेयर, हर बार नहीं बोलना पड़े, ठीक है ना। 6,31,43,677 क्वांटिटी इशू करने वाली है कंपनी, देने वाली है प्रमोटर को। प्रमोटर मतलब कहेंगे कि इसमें जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब एक और अगर देखेंगे हम लोग, तो एक जनरल मीटिंग जो है कंपनी ने रखा है वो थर्सडे को रखा है, 18 जनवरी 2024 को 11 बजे। तो इस मीटिंग पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 18 जनवरी को भी एक मीटिंग होने वाली है, उसमें भी शेयर होल्डर का जो है वो अप्रूवल लिया जाएगा, इसी प्रेफरेंशियल शेयर जो है इशू जो किए जाएंगे प्रमोटर को, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, नीचे और भी डिटेल है। अब ये फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहीं उतना ही क्वांटिटी से जो मैं बता रहा था अभी ऊपर, उतना इशू किया जाएगा ₹10 फेस वैल्यू पे, और टोटल उसकी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे आप लोग काउंट करिए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर सीधा करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो सीधा आप लोग समझिए कि कंपनी जो है, देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पे 9,349 है, उसके बाद 99 लाख ये, तो इसको सीधा मैं 85 ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब 9,350 करोड़ इक्विटी शेयर जो मतलब पैसा जो है कंपनी अपने जो है इस कंपनी में लगाने वाली है, और इसके एवज में इसको जो है वहीं 6,31,00,000 इक्विटी शेयर जो है मिलेंगे, ठीक है ना। तो टोटल 9,350 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं इनके प्रमोटर खुद के कंपनी में, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इसी वजह से आप लोग देखोगे तो इसके शेयर में आज तेजी भी देखने के लिए मिली, जब ही देखिए अपडेट आया है, ये लास्ट का मोमेंटम और वॉल्यूम भी देखिए नीचे है, और भी आगे अपडेट है। और अपडेट क्या है, तो ये जो बताया जा रहा है कि ये कब पैसा इशू करेंगे और कब यहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि एक या एक से ज़्यादा किस्त में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक या एक से ज़्यादा किस्त में जो है ये पैसा प्रमोटर लगाएंगे इसमें, और जो है अप्रूव होने के जो है पीरियड के देखेंगे तो 18 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। और कितने इन्वेस्टर आएंगे, तो दो इन्वेस्टर, यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर में दो लिखा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इशू का साइज जो रहेगा, मतलब जो इनको ये 6,31,00,000 इक्विटी शेयर दिया जाएगा वो कौन से प्राइस पे दिया जाएगा, फेस वैल्यू तो ₹10 रहेगा, तो उससे तो मतलब तो दिया जाएगा इनको जो है ₹1,480.75 के प्राइस पे, जो कि करेंट प्राइस ही अभी लगभग उसके आसपास ही ट्रेड किया। अगर ये ज़्यादा डिस्काउंट पे उन लोगों को दिया जाता तो हो सकता है कि इसमें गिरावट भी देखने के लिए मिलती। अब देखिए इनको प्राइस कौन सा दिया जा रहा है, ये वाला, मतलब ये वाला लेवल इनको जो है दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अब देखिए ये वाले लेवल से हम लोग देखें क्योंकि वो तो बाद में तेजी हो गई है।
तो कहेंगे 5% के डिस्काउंट पे प्रमोटर को ये शेयर जो है दिए जा रहे हैं। और अभी करेंट लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो 1480 को देखेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 9% की गिरावट, 9% का डिस्काउंट आ जाएगा अभी के रेट से। लेकिन जब अनाउंस हुआ था तो यही वाले लेवल पे था, तो अब तो कितना भी भाग जाए उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब तो डिसाइड हो चुका है कि 1480 रुपये पे ही उनको मिलेगा, तो देख सकते हो। बात करेंगे अब वो पिछले वाले न्यूज़ के बारे में 25 तारीख को, तो यहाँ पे मैं एक बताया हूँ कि इसको 8 गीगावाट का एक आर्डर मिला था कंपनी को, जिस आर्डर को कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है, और सेम जिस क्लाइंट से ये 8 गीगावाट या इसको कह लें हम लोग 8000 मेगावाट का आर्डर कंपनी को मिला था ना, मेगावाट का ऑर्डर मिला था कंपनी को, तो इसको कंपनी ने पूरा कर दिया। तो जब पूरा कर दिया तो उसी ने उसी जो कंपनी ने फिर से जो है इसको ऑर्डर दे दिया था, लगभग देखेंगे तो 1799 या फिर कह लें हम लोग 1799 मेगावाट कह लीजिए, या इसको 1.8 गीगावाट कह लीजिए का इसको जो है ऑर्डर फिर से मिल गया। तो इतना का ऑर्डर मिला, इतना ऑर्डर इसको जो है कंप्लीट इसने जब किया तब, ठीक है ना। तो ये एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी 25 दिसंबर को, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी टेक्निकल के बारे में देखेंगे तो टेक्निकल अभी सही मुझे दिख रहा है, क्योंकि उसी वीडियो में मैं केवल अभी टेक्निकल एनालिसिस किया भी था, कल ही वीडियो बनाया था, तो इसमें कुछ करना नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर बोला था कि 1513 रुपये के आसपास इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, अगर गिरावट करता है तो 1275 रुपये के आसपास आप एवरेज भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें जो है आप लोगों को 1000 के नीचे नीचे का ही रखना पड़ेगा। ऊपर जो टारगेट हम लोगों को मिलेगा, पहला टारगेट जो हम लोगों को मिलेगा वो 2000 रुपये के आसपास का मिल सकता है, इसको ब्रेक करेगा तो ये 2400 तक भी ऊपर के साइड में जा सकता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही मेरा एनालिसिस है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ करके लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।